आज भगवान शिव के जन्म से जुड़े रहस्य को बताते हैं भगवान भोलेनाथ को स्वयंभू कहा जाता है स्वयंभू का अर्थ होता है कि वह अजन्मा है वह न आदि है और न अंत भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है आइए आज हम आपको बताते हैं उनके जन्म से जुड़ा हुआ कुछ रहस्य त्रिदेवों में त्रिदेव जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों में भगवान शंकर का सर्वोच्च स्थान है भगवान ब्रह्मा सृजन करता भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं यानी कि संरक्षक है और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना भी तय है इन त्रिदेव की उत्पत्ति का खुद एक रहस्य है कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हालांकि भक्तों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए तो फिर भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया कहा ये जाता है भगवान शिव स्वयंभू है जिसका अर्थ होता है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए जब कुछ नहीं था इस सृष्टि में उस समय भी भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है भगवान भोलेनाथ सबसे पुरान देव हैं और वह देवों में प्रथम है भगवान शिव के जन्म के संबंध की एक कहानी है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु एक बार बात कर रहे थे बहस कर रहे थे दोनों सर्वश्रेष्ठ खुद को साबित करना चाह रहे थे तभी एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया खंभे का कोई ओर छोर नहीं दिखलाई पड़ता भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े दोनों ने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है जो भगवान शिव ही है खंभा प्रतीक के रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाली स्वरूप को दर्शाता है भगवान शिव के जन्म के विषय में और कई कथा प्रचलित है दरअसल शिव जो है ग्यारह अवतार माने जाते हैं इन अवतारों की कथाओं में रुद्रा अवतार काफी प्रचलित है कुर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेत का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो उनकी सारी मुरादे पूरी कर देते हैं भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है जटाधारी शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मनुष्यों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जाता है तो बोलिए हर हर महादेव जय शिव शंभु